हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अब चुका है 5:15 और आज मेरे साथ है हिज्जल और बीटू भाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं कलाक्षेत्र, मतलब शंकरदेव कलाक्षेत्र जो पंजाबरी में है। तो चलते हैं हम लोग। अभी तो ये मेरा रूम है, गुवाहाटी में मैंने लिया है ये रूम, और हम सारे भाई लोग यहाँ पर रुकते रहते हैं। तो मादा भाई, हिज्जल और पाठा भाई और मैं तो भूल ही गया। तो अभी हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी तो बहुत देर हो चुका है, थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाएगा, तो अच्छी व्यूज नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर आएंगे रुकेंगे। और हम लोग तो यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि बिट्टू भाई कल आया है, तो ये भी आज हमारे साथ आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अभी, बाय बाय। तो बहुत दिनों से तो मैं ब्लॉग बनाया ही नहीं, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ और हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग गुवाहाटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, बाय बाय। ठीक है, हम लोग तो अब शंकरदेव कलाक्षेत्र पहुँच चुके हैं, मतलब श्रीमंता शंकरदेव कलाक्षेत्र, ये इसका मेन गेट है। अभी तो शाम हो ही गया, बहुत लेट हो गया यहाँ पर आने में। तो और यहाँ पर भाई लोग टिकट कट रहे हैं, हमारा पर पर्सन 30 रुपीज़ है। तो हम लोग अब अंदर देंगे, तो देखते रहिए आप लोग। तो हम लोग तो यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं, मतलब यहाँ पर हम लोगों को अंदर आते हुए बहुत देर हो गई, इसलिए वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है शायद। तो फिर भी आप लोग देख लीजिए, फिर और कभी आएंगे। और उस समय हम लोग सुबह मतलब दिन पे आएंगे। तो अभी थोड़ी देर रुकने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ का व्यू एक बार सिनेमेटिक शॉट के साथ। तो ये रहा यहाँ का प्रख्यात ब्रिज और वो रहा रंगघर। ये तो सेकेंड है, मतलब ये डुप्लीकेट है, असली तो शिवसागर में है। तो यहाँ पर भी वो एक मतलब रंगघर का देकर यहाँ पर भी बनाया है एक। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत दिनों के बाद घूमने आया गुवाहाटी से, मतलब बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी देखते रहिए। पहले तो यहाँ पर बहुत सारे मछली वगैरह थे, मतलब यहाँ पानी पर, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे फूल वगैरह, मतलब बहुत सारे फूलों का पौधे वगैरह है, और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अब हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे, कुछ मिलेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। गर्मी कितना है आप लोग तो समझ ही सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, मतलब अभी सारे से बच चुका है,
लगभग ये कलाक्षेत्र मतलब शंकरदेव कलाक्षेत्र लगभग 7 बजे बंद होता है शायद, तो उसके पहले हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टेप है, ये तो अभी दिखाई नहीं देगा वो कैसे दिखाए, और वहाँ पर एक शायद मंच है, तो यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होता है, तो अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ दिखाने लगे कुछ है नहीं अभी, अभी तो बहुत अंधेरा है ना यहाँ, तो कभी अगर कभी हम लोग सुबह या फिर दिन को आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे अच्छी तरह से। तो फिर भी नज़ारा बहुत अच्छा है, देखते रहिए। तो ये रहा डॉक्टर भूपेन हजारिका का म्यूजियम, यहाँ अंदर भूपेन हजारिका के बहुत सारे स्मृति वगैरह है। लोग तो अभी अंदर नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत रात हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, अभी हम लोग बाहर का नज़ारा ही देखेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। यहाँ इस बिल्डिंग पर देखने लगे बहुत सारे चीज़ है, क्योंकि अभी तो रात हो चुका है इसलिए हम लोग यहाँ अंदर नहीं जाएंगे। अभी आप लोग ये बिल्डिंग एक बार बाहर से ही देख लीजिए। गैस तो अभी तो 7:15 हो चुका है, और इतने कम समय में इतना बड़ा इलाका देखने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम लोग नहीं देख पाए। ऐसे ही बाहर बाहर ही हम लोगों ने घूमा यहाँ पर, और अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था ना ये 7 बजे बंद होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर तो खुला रहता है, कितने बजे बंद होता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा ही है, थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ पर रुक सके। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऐसे हम लोग सीधा रूम पे ही जाएंगे। तो बाय बाय, हम 3 लोग यहाँ जाए थे, वो दोनों तो अभी आज तो घर गए हैं, और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो बाय बाय। तो वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ लाइट के सामने आ चुका हूँ। अभी मुझे पता चला यहाँ के गार्ड से, मैंने पूछा वो कितने बजे ये बंद होता है, ये 8 बजे बंद होता है, और यहाँ पर एक प्रेक्षा गया मतलब ऑडिटोरियम है, और वहाँ पर अगर प्रोग्राम वोग्राम चल रहा है तो थोड़ी देर तक तो खुला रहता है। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो बाय 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 बाय।